सैयद सनार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद सनार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो मेले का आयोजन होता है हर साल मई और जून के अराउंड कुछ इनके मेले का आयोजन होता है, उनका जो पूरा प्रोग्राम होता है फ्रेंड, और पूरा मेला जो है वो आपको एक्सप्लोर कराएंगे फ्रेंड, दिखाएंगे आज वीडियो के माध्यम से पूरा मेला आपको दिखाएंगे फ्रेंड, और तरह तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, खेल खिलौने जो बच्चों के हैं वो सारी चीज़ें वो सब यहाँ पे मिलते हैं फ्रेंड, और पूरे मेले का व्यू आज आपको मिलने वाला है। सो काफ़ी मज़ा आएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पहाड़पुर तिराहा है, ये देखेंगे यहाँ पे जो हलवा और पराठे मिल रहे हैं। हर तरह के जो सामान यहाँ पे उपलब्ध हैं आपको मिल जाएंगे। पूरा पहाड़पुर तिराहा देखेंगे, ये पूरा लबालब भीड़ से भर जाता है, और लगभग 22 मई से हर जगह जो इस मेले का आयोजन होने लगता है, और आज 2 जून है जो अपने आजमगढ़ पहाड़पुर तिराहा गाजी मियां के रोजे पे मेले का जो आयोजन किया गया है फ्रेंड, पूरा मेला जो एक्सप्लोर करेंगे, पूरा मेला आपको दिखाएंगे फ्रेंड, तरह तरह के खेल खिलौने बच्चों के, और बाकी पूरे मेले का जो व्यू आप लोगों से शेयर करेंगे। बाकी पहाड़पुर तिराहा ये देखेंगे आप, और इस तरफ जलेबी और पकौड़ियाँ और फल फ्रूट और खेल खिलौने की सारी चीज़ें जो उपलब्ध होती हैं इस मेले में। काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, इनके मेले में आंधी तूफान ज़रूर आता है, अभी फ्रेंड जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, और बाकी देखेंगे ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है पूरा वो भीड़ जो होगी पूरी खचाखच पूरी भीड़ होने वाली है यहाँ पे, हिंदू और मुस्लिम खास करके इसमें हर कास्ट के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं फ्रेंड। और इस मेले की बात करें अगर तो सामने ये गाजी मियां का रोजा है, बाकी इस तरफ तकिया और इस तरफ बिलरिया की चुंगी है, पूरा चुंगी। सो आइए आपको लेकर चलेंगे सीधा, यहाँ से एंट्री है, इस गली में आपको जाना होगा। इस तरफ से जाएंगे, पूरी भीड़ देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो वो हर कोई यहाँ पे उपस्थित होता है, और हर किसी की श्रद्धा है गाजी मियां के मज़ार पे आते हैं लोग, और चादर और जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं अपना गाजी मियां का रोजा सामने देख पा रहे हैं आप लोग।
और ये ऐसा मकाम है कि यहाँ आदम से आए आप लोग, बिल्कुल किसी को तकलीफ ना दें, किसी को ठेस पहुँचा के अपना काम ना निकालें, भले को तकलीफ हो गई, जिस मकसद के लिए आए हैं वो आपका काम नहीं होगा। फिर अगर आप लोग किसी दूसरे को तकलीफ देंगे, रास्ता जाम करेंगे, तो सबको मौका दे दिए थोड़ा थोड़ा, तो हजरत तो आप कहीं से भी बेहतर और मुनासिब रहनुमा का इंतखाब फरमा, तुझे फज़्ल कर दे नहीं बल्कि बाद में हो तुझ से मायूस उम्मीदवार। खुदाया वे हद बनी फातिमा भर पौले ईमा खुशी खातमा गर्दा वतम रखनी वर्तम।